ये मामला तो सीधे सीधे निग्लिजेंस का लगता है। निग्लिजेंस से एक तो अथॉरिटी का है, दूसरा जो मालिक मकान है उसका है, और मुख्य कारण तो यही लगता है। अब इसकी जांच पुलिस भी कर सकती थी, इसकी जांच सीबीआई भी कर सकती थी। पुलिस ने काफी विलंब किया, मैं समझता हूं कि शायद हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और उसने कहा कि इस मामले को सीबीआई में दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि सीबीआई को भी जल्द से जल्द इसके तह में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जिन बच्चों का परिवार उजड़ा है वो तो बहुत ही अफसोस की बात है। वो अपने करियर बनाने के लिए, अपनी आगे का भविष्य बनाने के लिए यहाँ आए थे और मुसीबत से रह रहे थे, तकलीफ से रह रहे थे, और वहाँ उनके साथ ऐसा वाकया हो जाए, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, किसी देहात में हो, किसी गांव में हो, किसी कस्बे में हो, तो बात समझ में आती है कि पानी में डूब के मर गए, लेकिन शहर के बीचों बीच इस तरह का वाकया हो जाए और हम उनको नहीं बचा पाए, अथॉरिटी उनको नहीं बचा पाई, ये बहुत अफसोस की बात है। तो बहुत सीरियस घटना है, और 20 लोगों की जाने जाना एक शेल्टर होम से अपने आप में एक अजीब बात लगती है, अजूबा लगता है, और इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो वो डिसेबल थे और उनको शेल्टर देने की बात थी, उनको बचाने की बात थी, उनकी देखभाल की बात थी, और वहीं उनकी जान चली जाए जिस कारण भी गई हो, तो ऐसे लोगों को तो माफ नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत यूँ कहा जाए कि ये राष्ट्रीय आपदा है, नेशनल कैलेमिटी है, और इसको केंद्र सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए। और जिस तरह से लगातार जो लाशें निकल रही हैं और वहाँ की जो तस्वीर आ रही है, बहुत चिंताजनक है और बहुत अफसोसनाक है। ऐसे मौके पर हम उन परिवारों को के प्रति अफसोस जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए कि पूरी ताकत के साथ उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनका पुनर्वास के लिए व्यवस्था करें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एडवाइस करा गया है सर एमपीज को कि क्वेश्चन आर के दौरान महाभारत की स्टोरीज ना बोलें, जिस तरीके से चक्रव्यूह राहुल जी ने उठाया, अब लोकसभा स्पीकर की ये एडवाइस, सर आप तो माननीय सांसद हैं तो स्पीकर महोदय, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध है, ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है, और हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की जो धार्मिक बातों को हमेशा उजागर करते रहते हैं और उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, तो शुरुआत तो घर से होनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम,